हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कांस्टेंट क्या होता है। तो कांस्टेंट वो चीज़ होती है जिसकी हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल में दिखाता हूँ कि मैंने इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच हैश इंक्लूड ऑडियो डॉट एच, पहले मैं जो हमारी फिक्स सिंटेक्स होती है वो लिख देता हूँ। तो हम अब कॉन्स्टेंट डिक्लेयर करेंगे कि कॉन्स्टेंट कैसे डिक्लेयर किया जाता है। तो हम लिखते हैं हैस डिफाइन, और यहाँ कोई भी वेरिएबल का नाम लिख दीजिए, जैसे कि पाई की वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है 3.14। अब वो चीज़ मुझे यहाँ एक्सेस करनी है, तो मैं यहाँ सिर्फ लिखता हूँ कॉन्स्टेंट वैल्यू, और जैसे कि ये फ्लोट है तो परसेंटेज एफ, जैसे हमने पहले वीडियो में देखा था। अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ और इसको अपने रन करके देखते हैं कि कांस्टेंट वर्क कैसे करता है। मैं इसको रन करता हूँ, देखिए अभी ये 3.14 आ गया है। अब हम ट्राई करते हैं इसको चेंज करने की। जैसे कि कांस्टेंट मैंने बताया, कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता, कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है। तो मैं अब यहाँ लिखूँ अगर पाई इक्वल टू 1, 2, 3, तो देखिए क्या आता है, क्या आया, एक एरर है। कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं कर सकते। हाँ, कांस्टेंट के साथ आप कैलकुलेशंस वगैरह कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ करता हूँ एक, सपोज मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ फ्लोट वेल, और यहाँ वेल इक्वल टू पी प्लस 1.5। तो अभी जब मैं यहाँ वैल्यू की वैल्यू प्रिंट करूँगा अगर, तो हमें आंसर मिलेगा सेम परसेंटेज एफ, क्योंकि फ्लोट है। और अब यहाँ हम लिखते हैं वेल, अब हम इसको कंपाइल करके एग्जीक्यूट करते हैं। देखा तो 3.14 की वैल्यू 4.64 हो गई। तो कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। वो वैल्यू को लेके आप अरिथमेटिकल या कोई भी ऑपरेशंस वगैरह परफॉर्म कर सकते हो, पर उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।